भाई आगे चले भाई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ्टी लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कल 18 तारीख को वसई ईस्ट में ईद मिलादुन नबी का एक शानदार जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में क्षेत्र की कई सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की हस्तियां भी शामिल हुई। आप सभी जानते हैं कि 16 तारीख को ईद मिलादुन नबी का त्योहार था, लेकिन महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और ईद मिलादुन नबी एक साथ आने की वजह से मुस्लिम भाइयों ने ये तय किया कि जुलूस जो है 16 के बजाय 18 को निकाला जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनंत चतुर्दशी 17 को जब गणपति विसर्जन हुआ, उसके दूसरे दिन 18 तारीख को कल ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। वसई विरार अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में कई जुलूस अलग अलग तंजीम द्वारा निकाले गए। यह जो जुलूस है वसई फाटा से निकला और वसई ईस्ट के कई क्षेत्र में ये जुलूस निकला है। काफी बेहतरीन और बड़ा ये जुलूस है, आप तस्वीरों में विजुअल में देख सकते हैं। इस जुलूस में शामिल होने कई लोग आए, जैसे हमने आगे बताया, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से काफी लोग आए। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं लोगों को दी, मुबारकबादी दी। तो देखिए इस जुलूस से जुड़ी हुई ये कवरेज। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जब आज हुजूर की पैदाइश मना रहे हैं उसके बारे में क्या जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो हम लोगों ने जुलूस निकाला है, यकीनन ये बहुत बड़ी खुशी का दिन था हम लोगों के लिए, क्योंकि वैसे तो हमारी जो तारीख थी, असल तारीख जिस तारीख में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए वो 16 तारीख थी, एक दो दिन पहले। आज 18 तारीख है, तो किसी वजह से किसी मसलहत की बुनियाद पे हम लोगों ने एक मुत्तफ़िका फैसला लेकर के पूरे मुंबई के उलमा ने, महाराष्ट्र के उलमा ने एक इत्तेफाक एक फैसला लिया कि जुलूस जो बड़े पैमाने पर हम निकालते हैं वो 16 तारीख को ना निकाल करके हम 18 तारीख को निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पूरे महाराष्ट्र में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके से जुलूस निकाला गया और बड़ी तादाद में उशाक शामिल हुए। हुजूर से मोहब्बत करने वाले मुसलमान, जो नबी से इश्क करने वाले, जो मसलके आला हजरत वाले, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा एक बड़ी तादाद पूरे वसई में ऐसा लग रहा था कि मुसलमान एक बड़ी तादाद दिख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल से बेहतर मुझे इस साल तादाद में लगा कि तादाद इस मरतबा ज्यादा थी मुसलमानों की। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तौफीक खुदाबंदी से है और अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है वो अपने नबी का मिलाद मनाता है और नबी का मिलाद हम इस तरह इंशाअल्लाह हमेशा मनाते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, कयामत तक हमारी हम नहीं रहेंगे, हमारी नस्लें मनाएंगी, हमारी नस्ल नहीं होगी उनकी नस्ल जो होगी इंशाअल्लाह कयामत तक जो है मनाते रहेंगे। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई शोर शराबा नहीं किया, हमने कोई गलत हरकतें नौजवानों से सादिर होने नहीं दिया, बल्कि हमने कहा कि नबी जो है ये अमन का पैगंबर है, अमन का पैगाम देने वाला है, शांति का पैगाम देने वाला है। जब मेरा नबी जब दुनिया में आया था उस वक्त पूरी दुनिया तारीख थी, अंधेरा था, पूरी दुनिया में डार्कनेस था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जब नबी आया पूरी दुनिया रोशन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी रोशनी आज जो है जो भी दुनिया के अंदर रौनकें आपको नजर आ रही है, रोशनी नजर आ रही है, नूर नजर आ रहा है, जो भी आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर बहारें, ये सब मेरे नबी की विलादत का सदका है और मेरे नबी के आने की खुशी में जो है हम लोग ये जुलूस निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शांति के साथ, अमन के साथ जो है हमने जुलूस निकाला है। जोहर के बाद जो है हमने जुलूस निकाला और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुलूस इख्तिताम पसीर हो गया है, फिनिश हो गया है जी। आप बताइए और कुछ कहना है आज की इस जुलूस के बारे में? देखने में ये आया कि वसई विरार में हर कौम के लोग इसमें शामिल थे जी जी जी, इसके बारे में क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह ये समझिए कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब है एक हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी हमारे त्यौहार में मिल करके, गैर कौम भी चाहते हैं ये गंगा जमुनी तहजीब जो है वो बाकी रहे, एक मोहब्बत, एक अकूमत, एक भाईचारगी जो है बाकी रहे, इस नीयत से वो लोग भी हमारे त्यौहार में शामिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हमारी गंगा जमुनी तहजीब
और प्यार मोहब्बत बाकी रहे, यही पैगाम हमारे नबी ने। चैनल के जानिब से क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं चैनल के जानिब से और चैनल के माधे मैं ये बताना चाहूँगा, अपने मुसलमानों से बताना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालना ये कमाल नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलना कमाल है। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, आज हम बड़ों की ताज़ीम नहीं करते, छोटों पर शफ़क़त नहीं करते, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और हम जुलूस नबी के नाम पर निकालते हैं। जुलूस निकालिए लेकिन साथ में नमाज भी पढ़िए। हम हुजूर से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन हुजूर की सुन्नतों पर अमल नहीं करते, ये दावा खोखला है, ये दावा खोखला है, बिला दलील है। अगर दावा मोहब्बत रसूल का करते हैं तो मोहब्बत रसूल का दावा उसी वक्त आपका सही हो सकता कि अगर आप हुजूर की सुन्नतों पर चल करके आप जुलूस मनाएंगे। हुजूर की सुन्नत क्या है? नमाज पढ़ना। हुजूर की सुन्नत क्या है? हुजूर ने बताया कि माँ बाप की फरमाबरदारी करो। आज हमारा नौजवान माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप को गाली देता है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों का शफ़क़त नहीं करता। आज हमारा नौजवान शराब नोशी में मुब्तला है, आज हमारा नौजवान जो है जिनाकारी में मुब्तला है, आज हमारा नौजवान जो है चोरी में मुब्तला है। तो मैं नौजवानों से यही कहूँगा, मुसलमानों से यही कहूँगा कि आ जाओ इस्लाम में मुकम्मल तौर पर और नबी की सुन्नतों पर, नबी की तालीमात पर आप अमल करो। अब अगर आप कहते हो कि मैं नबी का आशिक हूँ, नबी का मुहिब हूँ, नबी से मोहब्बत करना करने वाला हूँ, तो अब आपका दावा सही होगा। ईद नबी का इस शुभ अवसर पर मेरे साथ में मेरे मुस्लिम भाई सब जुड़े हुए हैं, ये खुशी का माहौल है। आज ये महीना पवित्र महीना कहा जाता है, इस महीने के अंदर नबी अपने को आशीर्वाद देने को प्रकट हुए थे और उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दिया है, पूरे जनता को आशीर्वाद दिया है और आज का वो शुभ दिन है और बहुत शोर शोर से मनाया जाता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे हमारे इश्तियाक भाई है, हमारे सब यहाँ के कार्यकर्ता है, सब मिलकर हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। अभी आपको मालूम है कल ही गणपति का विसर्जन हुआ, पूरे मेरे मुस्लिम भाई, मेरे बच्चे जितने भी जवान थे सब हमारे जुलूस मिलन में शामिल हुए, प्रसाद के लिए आते हैं जाते। आज ये त्यौहार है, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ का नगर सेवक हूँ मैं, यहाँ के सरपंच रह चुके हैं, हम लोग मिलकर हर त्यौहार मनाते हैं। आज खुशी हो रही है, वसई तालुके का इतिहास है, आज सवा सौ साल हो गए हैं इस मदरसा को हमारे, और आज तक जरा भी हमारे भाईचारा में जरा भी रुकावट या कुछ जरा भी कुछ गलत फहमी नहीं हुई है और हम लोग कंधे से कंधा मिला के आज ये त्यौहार होशोल्लास से मनाते हैं। आपको मालूम है अभी आहिस्ता आहिस्ता करते करते जाएंगे, यहाँ पे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सब इस जुलूस में जज्बे में शामिल होते हैं और हजारों के तादाद में हम ये छोर धोर से और सातुली से ये जब अगर जुलूस निकलता है तो आगे होके रेंजो ऑफिस होके फिर वाली फिर वैसे आगे चिचपाड़ा आगे होके फिर जाके वैसे फाटे तक जाता है और पूरे मेरे भाई एक साथ में आके आप एक साथ में जमाए जाते हैं और ये एकता का प्रतीक है, हमारे तालुका का एकता का प्रतीक है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये सदियों से चला आया हुआ है और ऐसा ही चलते रहेगा। इतना मैं आज के इस शुभ अवसर पर आपको दिल से दुआ करता हूँ और जिन जिन लोग मेरे साथ भाई है सबको, जिन्होंने जो कुछ भी दुआ की है सबको आने वाला समय अच्छा जाए और ये भाईचारा ऐसा ही अपना बना रहेगा, उसमें कुछ शंका नहीं है। मैं सबको बधाई देता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ही अपन एक दूसरे कंधा कंधा मिला के आने वाले समय में एक दूसरे को साथ देंगे, इतना ही कहता हूँ। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।